लैरी वील्स एक बहुत ही पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और खासकर अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत जाने जाते हैं। पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट्स, बेंच, डेडलिफ्ट हो गया, उसमें बहुत अच्छे हैं। मतलब उन्होंने अपना थोड़ा कोशिश की थी स्ट्रांग बन जाने की भी, आर्म रेस्लिंग में भी, बॉडी बिल्डिंग में भी, तो हर जगह इन्होंने हाथ पांव अपने फैलाए हुए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट रहे हैं अपनी पीडी यूसेज के लिए और इज लाइक ऑल 27 और इन्होंने मेरे ख्याल से 18 या 19 साल में शुरू कर दिया था। मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे बच्चे हमारे आजकल के, क्योंकि 17-18 साल में बड़े सारे लोग यूज करना शुरू हो गए, वो ये बोलेंगे कि लैरी भैया को कुछ नहीं हुआ, पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं, हमें भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता मुन्ना, हर कोई बहुत डिफरेंट होता है। हो सकता है आपको दुनिया के सारे साइड इफेक्ट्स हो जाएं, हो सकता है आपको दिखने में कुछ ना हो, होगा तो कुछ जरूर, लेकिन हो सकता है एकदम दिखने में कुछ ना हो। आइए देखते हैं लैरी क्या बोलते हैं और उस हिसाब से आप कमेंट्री करते हैं। लेकिन बिफोर मूव ऑन द वीडियो, अगर क्योंकि आप बड़े सारे लोग बॉडी बिल्डिंग वाले लोग हो तो पेट की किसी कोई दिक्कत है IBS की, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आपकी फैमिली में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। और नेशनल बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस के लिए भी प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आइए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। I have an interesting journey I want you to embark with me on. So for the last decade, many of you know I've been using PDs, peptides, all kinds of performance enhancing drugs. वैसे जो पेप्टाइड्स होते हैं वो एग्जैक्टली स्टेरॉइड्स नहीं होते, स्टेरॉइड्स नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, दैट इज व्हाट स्टेरॉइड्स आर, लेकिन पेप्टाइड बेसिकली स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ प्रोटीन, जैसे ग्रोथ हार्मोन इज अ पेप्टाइड। And my first couple years into fitness started when I was 14, onwards 16 with a broomstick, cinder blocks, push-ups, pull-ups, calisthenics, riding my bike, being athletic. It wasn't until I was 16 that I actually got to join a gym, and shortly after that, we're talking a year, maybe a year and a half, did I start my first cycle, and I've been cycling ever since. So, much like you. तो जैसे पहले भी बताया, he's cycling since 10 years, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, like अभी क्या हो रहा है, fitness का जो एक only outlet है, वो सिर्फ gym हो रहा है, लोग muscle building तरफ बहुत जा रहे हैं, लेकिन especially when you're younger, I'll encourage you to play some sport, जैसे football हो गया, cricket हो गया, मतलब कोई sport, एक team sport type चीज़ या individual sport type चीज़, sport जो आपको चीज़ सिखाएगी ना, वो अगर आपको body building करना है, उसके लिए बड़ा अच्छा base बनाएगी, लेकिन जो current अभी young generation का screen time हो रहा है, इससे 20-21 साल के लड़के हैं, 250-300 test Levels, मतलब बहुत काम खराब हो रहा है। तो आई सी कि आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है, इसलिए अगर इफ यू आर अ पेरेंट और इफ यू आर लाइक 15-16 ईयर ओल्ड, तो गो एंड प्ले सम स्पोर्ट। वो जो PS5 पे या बाकी वीडियो गेम्स हैं आपके एक्सबॉक्स है, उस पर इतना टाइम स्पेंड करना इज गोइंग टू बी सुपर डिट्रीमेंटल फॉर योर हार्मोन एंड फिर यू वांट टू नो व्हाट इज द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर टेस्टोस्टेरोन, गो आउट, स्टॉप स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन द स्क्रीन। आई डोंट नो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ ऑफ साइकिल नाउ, गोइंग कंप्लीटली ऑफ इजंट एन ऑप्शन फॉर मी, आई कैन नॉट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन नेचुरली. So I'm going to be on testosterone replacement therapy. I tried pulse cycle therapy several times when I first began cycling, and I was unable to recover. अब देखो, अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ। तो लैरी पिछले 10 साल से साइकिल कर रहे हैं, मतलब इज नॉट बीइंग ऑफ। इस टेक्निक को बोलते हैं ब्लास्ट एंड क्रूज। तो ब्लास्ट हो गया कि जब आप हैवी एनाबॉलिक साइकिल पे होते हो, क्रूज होता है मोस्टली TRT, मे बी यू एड वन मोर कंपाउंड, लाइक थोड़ी सी चीज। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कॉमन हमारा जो जिम का कल्चर है यहाँ पे, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि जब PCT की बात करते हैं, लोगों को लगता है PCT इज वॉश आउट। वॉश आउट से क्या लगता है कि भाई आपने जो चीज की उसके सारे जो साइड इफेक्ट्स होंगे सब सही हो जाएंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। PCT का मतलब बस इतना होता है कि हमारा जो HPG एक्सेस होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सेस, वो फिर से रिस्टार्ट हो जाता है ताकि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन शुरू हो जाए। लेकिन आपके दिमाग को, आपके हार्ट को, जो आपके किडनी को डैमेज हुई है, क्या वो खत्म हो गई? एब्सोल्युटली नॉट। उसके लिए आपको बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी अलग से। तो अब क्या है, अब इतनी साल साइकिलिंग करने के बाद लैरी की बॉडी ने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस किया ही नहीं है, तो अब करे शायद कभी जिंदगी में ना करे। अब लैरी की प्रॉब्लम ये होगी, इफ ही वांट्स टू बी अ फादर, ही इज गोइंग टू हैव वेरी वेरी हार्ड टाइम, क्योंकि व्हेन यू आर ऑन टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उस टाइम पे आप इनफर्टाइल होते हैं। तो अगर इनको फादर बनना होगा तो आई डोंट नो, मे बी TRT भी 2-3 साल के लिए रोकनी होगी, और वो इनको करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इनका पूरा ब्रांड ही इनके मस्कुलेचर, इनकी स्ट्रेंथ पे बना हुआ है। TRT for me would be anywhere from as low as 70 milligrams a week, I've heard even lower dosages, to as high as 175. 175 I believe being on the higher side of being a healthy natural male in his prime. So I say I'll start 170. ओके, अब दो एंडो स्पेक्ट्रम है यहाँ पे TRT के, क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट बड़ा कॉमन हो रहा है। पहले तो 20s में लोग 20s में TRT शुरू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी नोज अबाउट TRT। तो लेट मी स्टेट इट, आपको 35-40 साल तक, ऑलमोस्ट 35 साल तक तो TRT की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू फील लिथार्जिक, एनर्जी कम लग रही है, आपको लग रहा है कि मसल बिल्डिंग पोटेंशियल कम हो रहा है, सबसे पहले आप डाइजेशन चेक करें। हमारे पास जितने लोग हैं जो जिनको हम गट इश्यूज की बात करते हैं, उनके टेस्ट लेवल्स कम ही होते हैं, लेकिन वंस वी काइंड ऑफ गेट देम राइट, उनको थोड़े बेटर फील करते हैं, उसमें टेस्ट लेवल्स भी ऊपर जाते हैं, सेक्स ड्राइव
ऊपर जाता है, सेक्स ड्राइव लाइक एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है आपकी ओवरऑल हेल्थ। जैसे मैं अगर जब कोई सिक होता है तो सेक्स ड्राइव क्या होता है इन द टॉयलेट, तो अ सिक बॉडी कैन नॉट एक्चुअली हैव अ ग्रेट सेक्स ड्राइव। सेक्स ड्राइव इज एक्चुअली अ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पार्ट हो गया आपकी नींद का। अगर आपका पेट ठीक है, आपकी नींद ठीक है, तो उसके बाद बात आती है डाइट और ट्रेनिंग की। तो अगर फिर इन 20s आपको ना किसी टेस्ट बूस्टर की जरूरत है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो छोड़ ही दो यार। तो क्योंकि अगर इसमें इस टाइम पे डेल करने शुरू हो गए तो ये जो गली है ना ये बहुत लंबी है और खतरनाक भी है। तो इसलिए नो। तो जो 40s में है, जो लोग TRT पे जाते हैं, तो व्हाट आई सी जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं TRT प्रोटोकॉल, वो कि हफ्ते में एक बार ही आपको लेना होता है। वो भी सही तरीका नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि TRT जब होती है यू ट्राई टू रेप्लिकेट एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो हर रोज आप 2 से 9 मिलीग्राम के आसपास प्रोड्यूस करते हो, डिपेंड करता है कि इसकी बॉडी क्या क्या है। तो आप 2 हफ्ते में एक बार शॉट ले रहे हो, दैट्स नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लम। तो अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें, योर डोजिंग फ्रीक्वेंसी आप फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, उससे जो आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन है और जो एस्ट्रोजन सिम्टम्स हैं दोनों मेंटेन कर सकते हैं। And I'll get my bloods done. So I actually watched, read an article by Mortgage More Dates, and he wanted his test levels in the 700s. And he was on 100 mg, got his bloods done, and it came up about 400 and some change. So I'm not saying that I should do exactly what Derek intended on doing for ACRT replacement therapy, but I think 175 is a good place for me to start. And if I speak with my doctor and we get my bloods done and we see that it's more than what's necessary, then I'll decrease it. But I certainly won't increase it anytime in the near future. So what does this mean with my 1,000-pound deadlift? Well, I'm not calling it quits on it. I am putting the brakes on attempting PRs like that at the moment. So you guys do know I have come off a back injury. Luckily, it was a small grade 1 tear. I'm already okay. But does that mean the right answer is to jump into another extreme prep for a 1,000-pound deadlift? Probably not. So I actually want to take Greg Duchette's advice and slow things down. Stop being in such a rush. Why do I have to do it right now? I'm 27, I can take my time, it can be several years from now. I'll still be in my prime, I'll still be healthy. As long as my heart's beating, I can have a crack at it whenever I want. PDs aren't going nowhere, that 1,000 deadlift isn't going. So great point. Larry, we all know, is like a strength enthusiast. तो इनका 1,000 pound का जो डेडलिफ्ट है इनकी ड्रीम है, और इन्होंने ट्राई की थी पहले भी, आई गेस सितंबर या अक्टूबर इनका प्लान था एक मीट पे 1,000 pound डेडलिफ्ट करने का। लेकिन ही नोज ऐसी तैयारी के लिए जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो ही डिसाइडेड टू टेक इट डाउन, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हमेशा हर जगह रहते हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम किसका आती है, जैसे बड़े सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, लाइक वेरी गुड एथलीट्स, लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट नहीं है। देखो स्पोर्ट एक हिसाब से नहीं है, लेकिन जो डेडिकेशन जितना बॉडी बिल्डिंग में लगता है ना, वो शायद किसी दूसरे स्पोर्ट में लगता हो। मतलब मैं टोटल 24/7 के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो तब क्या होता है कि मान के चलो एक बॉडी बिल्डर इंजर्ड हो गया, ना सिर्फ बाहर से अंदर कुछ दिक्कत होगी, हार्ट का इशू है, किडनी का इशू है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको क्या रहती है कि आई वॉन्ट टू गेट बैक ऑन द स्टेज अगेन। अगर आप उनमें से एक को एक बात ध्यान रखें, जिंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। राली ने बड़ी अच्छी बात कहता है, इफ द हार्ट इज स्टिल बीटिंग तो मैं कम्पीट कर सकता हूँ, अगर वो नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म है। इसलिए हेल्थ फर्स्ट, उसके बाद सब चीजें आती हैं। अगर एक बॉडी बिल्डर हो, कम्पीट करते हो, तो बी वेरी वेरी कॉशियस। एक चीज दिमाग में हमेशा रहे कि हेल्थ फर्स्ट होना बड़ा जरूरी है, उसके बाद कॉम्पिटिशन है या बाकी चीजें, उसके पहले कुछ नहीं है। एंड फॉर मी दैट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट, एंड इट विल बी प्रोबब्ली इट विल बी द बिगेस्ट फीट ऑफ स्ट्रेंथ दैट आई हैव एवर डन इफ आई कैन डू दैट। एंड आई एम इन नो रश टू डू इट बिकॉज़ आई हैव लर्नड द हार्ड वे एज कमिंग फ्रॉम माय वेकेशन, थिंकिंग आई कैन रिज्यूम माय ट्रेनिंग प्रायर टू मी टेकिंग द वेकेशन, एंड आई क्रैश एंड बर्न। आई ट्राइड टू रश द ट्रेनिंग बिकॉज़ आई हैड अ फ्यू वीक्स लेफ्ट टू वर्क विद, शुडन्ट हैव टेकन द वेकेशन इन द फर्स्ट प्लेस। Regardless, I did what I did, came back, and tried to rush the process, got injured in the process. So that has taught me that I don't gain anything by trying to rush things. If anything, I'm going to rush myself into an injury. So with that said, more than that 1,000-pound deadlift, for you to understand my perspective, seeing what I'm capable of on TRT is more of a priority to me, is more exciting. It makes me feel invigorated. Going for a 1,000-pound deadlift, as exciting as that is, I've been on PDs and hitting PRs the last decade, okay, for 10 years straight. So I know if I push the envelope enough, if I go to the extremes enough, I can get there, right? But what I don't know is how will I perform without all that assistance? Because the fact of the matter is PEDs make a tremendous difference in your physique, in your strength, in your psyche, your recovery, more than general population I think understands. Because the time I did cycle off, okay, albeit my T levels did crash, the changes were night and day. I mean, I remember losing 30, 40 pounds coming off cycle within a few weeks. I remember going from like a 550 bench, like a 4-5 for one rep bench. We're talking 20 to 30% of a drop in strength.
दिस इज व्हाट आई रियली लव अबाउट हिम, बिल्कुल ट्रू ट्रांसपेरेंसी. ये बोल ही नहीं रहा, लोग कहते हैं बाकी सब सही है लेकिन पीडी थोड़ी सी असिस्टेंस कर रही थी. अरे नहीं यार. तो लैरी डज मेंशन कि वेट एकदम ड्रॉप हो गया लाइक 30-40 पाउंड्स जब उन्होंने साइकिल्ड ऑफ फ्रॉम स्टेरॉइड्स. और जैसे अगर 500 कुछ का बेंच कर रहे थे फॉर रेप्स, ही लाइक 405 फॉर लाइक अ रेप, तो कितना फर्क पड़ जाता है. तो अभी इनका मेन मुद्दा ये है, ये करना क्या चाहते हैं, देखना ये चाहते हैं कि सिर्फ टीआरटी पे, मतलब जितना टेस्टोस्टेरोन और नेचुरली प्रोड्यूस करते हो उससे आप कितना परफॉर्म कर सकते हो. लेकिन अब इसमें भी दो चीजें हैं और दो चीजें आप सीख सकते हो. देखो पहला पार्ट क्या है कि अभी जो लैरी इतने साल साइकिल किया है, इनको जो मसल मास हुआ है, क्या सारा जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट. ही इज गोइंग टू रिटेन मोस्ट ऑफ इट. कुछ जाएगा लेकिन मैक्सिमम रहेगा, तो वो एडवांटेज मिलेगी इनको. लेकिन अगर आपको सही, अगर अपना पोटेंशियल जानना है तो आपको स्टेरॉइड्स के पहले जानना होगा. क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, देखो लैरी तो अगेन इज टीआरटी पे, तो फिर तो पता नहीं कैसा पोटेंशियल होगा. लेकिन एक बार अगर आप काफी टाइम से साइकिल पे हैं तो आपका जो नेचुरल टेस्ट लेवल्स हैं वो सफर करेंगे और हो सकता है वापस आए ना. और ये डिपेंड करता है कितनी लंबी ड्यूरेशन आप साइकिलिंग कर रहे हो और आपकी एज क्या है. 20 to 40 pound drop in body weight. I did it a few times, right? So I have a rough idea what it's like to do it that way, but that's using PCT, right? That's using Clomid, Novadax, HCG. That's doing it that way. So I didn't go from blasting 500 mg or whatever testosterone, whatever anabolics I was using at the time, down to TRT levels of testosterone. So I don't know how I respond that way. So that's what I want to find out. And this experiment will go on indefinitely. And I think it'll be interesting for me to embark on a journey that no one has seen before. I haven't seen it for myself. It will bring out a different side of me, and it will force me to be more disciplined with everything. That means food, recovery, training. When you're on cycle, you can get away with a lot. You can make mistakes. You can be a bit lazy sometimes. You can have less discipline, right? You're getting assistance from the PDs. You're getting quite a bit of help, okay? Granted, I have great genetics. I responded well to it. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो रेगुलर टाइम पे यूज कर सकते हो. सो इमेजिन यू फॉर अ नेचुरल एथलीट, ठीक है, आप बहुत टाइम से नेचुरल ट्रेनिंग कर रहे हो, यू टेक योर मील्स वेल, हर चीज बढ़िया है, और आप देखते हो कि आपके जिम में कोई नया लड़के आए हैं, स्टार्टिंग किया है, कुछ टाइम हो गया है और अचानक उनकी बॉडी बनना शुरू हो जाती है, आपसे बेटर होना शुरू हो जाता है और टाइम बड़ा कम लगता है उनको, खाते भी कुछ हैं, मतलब बहुत, मतलब जंक फूड भी खा रहे हैं, ऐसा भी खा रहे हैं, जंक फूड खा के बॉडी बना रहे हैं आजकल, तो वैसे ही बहुत ट्रेंड चल पड़ा है इस चीज का. तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये जो पीडीज का सिस्टम होता है ना, ये पूरी उम्र कोई चला नहीं सकता. हमेशा एनालॉजी यूज करता हूँ, भाड़े की गाड़ी है, ठीक है, तो मान के चलो अगर आपके पास एक गुड ओल्ड मारुति है, कोई मर्सिडीज लेके आता है, तो मारुति आपका सालों साल रहने वाली है, वो मर्सिडीज शायद 3-6 महीने के बाद में फोर्ड नहीं करता. इसलिए नेवर गेट डिसअपॉइंटेड बाकी लोगों को सोच के, नेवर नो कोई क्या यूज कर रहा है. क्योंकि आजकल हमारे जिम्स में, जो कि पहले जहां पे हेल्थ बनाई जाती थी, अब वो जैसे एक टाइप के ड्रग सेंटर बन चुके हैं, ड्रग पेडलर्स वहां पे घूम रहे हैं, कोई क्या यूज कर रहा है, कोई क्या यूज कर रहा है. तो जस्ट डोंट गेट डिसहार्टेंड, आप नेचुरल हैं, आप वैसे रहें. इससे सबसे बेस्ट चीज क्या होगी, आपको किसी फार्मास्यूटिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने गेंस मेंटेन करने में. और ये चीज जो स्टेरॉइड्स पे, वो चीज लोग नहीं बोल सकते, एटलीस्ट जब वो साइकिल पे. Great coaches and you know I've made plenty of mistakes along the way, but I've had a lot of success on PEDs against others who are also on PEDs, so I can't attribute all my success to PEDs, but I know that. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक अगर जो कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग जाना जरूरी है कि जेनेटिक रिस्पांस क्या है पीडीज को. सम पीपल रिएक्ट ग्रेट टू पीडीज, लाइक दे हाइपर रिस्पॉन्डर्स, जैसे सबसे जो मेरे दिमाग में आ जाते हैं, निक वॉकर एकदम दिमाग में आते हैं. अगर इफ यू नॉट अ हाइपर रिस्पॉन्डर टू ड्रग्स, तो कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग इज नॉट फॉर यू. और पता है, अगर आप कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग में फोरे कर रहे हो, एक चीज बड़ी जानना जरूरी है, यू शुड नो कि मुझे कहां ना बोलना है. क्योंकि यहां पे ऑप्शन हमेशा रहेगा टू पुश द एनवेलप, टू पुश द ड्रग्स, कंपाउंड बढ़ाओ, डोसेज बढ़ाओ, लेकिन अल्टीमेटली आपके लाइफ स्पैन पे बहुत भारी स्ट्रेस डाल रहा है. तो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर ज्यादा यू डोंट रिएक्ट ग्रेट टू ड्रग्स, तो नॉर्मली करो, नॉर्मली खेलो, लेकिन डोंट हैव एस्पिरेशंस कि मैं एक प्रो कार्ड जीतूंगा या फिर एक यू नो प्रो करियर बनाऊंगा. अगर दैट स्टफ इज नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर यू. क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, पुश करने लगो तो बड़ी दिक्कत हो जाने वाली. They have made a significant impact on my physique and my achievements and speed of strength. So I want to eliminate that and put myself at a baseline of 175 mg per week and see what I'm capable of. What can I squat? What can I bench? What can I deadlift? What can I overhead press? Bicep curl? How can I arm wrestle? How well can I arm wrestle at 175 a week? There are so many things, different everything that I've been doing up until this point that I want to redo, but on TRT, right? And go through the same training prep I did, for example, for my most recent PR of 422 kg for three. I want to do that same prep specifically for the deadlift, right? And see what my results will be on TRT versus what I did for that prep. So, you know, look, I appreciate your patience for all those watching. You know, I must seem like I'm here and I'm there all the time and I can't make up my mind, but my mind is made on this. And again, I'm not permanently giving up PEDs because I'm sure there'll be a time again in the future when I want to go for that 1,000 pound deadlift. Again, that's a lifetime goal of mine, lifetime achievement. And I'm not giving up on that. But right now, put the brakes on, take my time, and see what I can do on TRT. Anyways, look, thanks for watching, and I will keep you updated
very shortly. This is like a super good move to be on TRT और हमेशा blast and cruise नहीं करना. देखो अगर आप एक competitor हो किसी भी side में, तो जैसे मैंने पहले भी बात करी कि everybody has goal. जैसे अगर आप mature level पे कर रहे हो, pro card चाहिए, pro card लेने के बाद आप एक pro competition जीतना चाहते हो, वो उनके बाद Olympia में जाना चाहते हो. मतलब normally अगर मैं खासकर body building के हिसाब से बात करूँ तो. लेकिन अगर आप काफी time से ले रहे हो, it's very important कि बिल्कुल basic minimal dosage पे रहो at least for a year. देखो patience होना बहुत जरूरी है, नहीं तो patient हो जाओगे. So remember that thing always. और हर चीज लाइफ के अंदर आती है. कोई चीजें करोगे जो आपकी पूरी जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए खतरनाक है, तो थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट योर फैमिली, दे वोंट बी हैप्पी. आई नो अ लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर्स, वो 30s में आते हैं, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ देम, और दे हैव नथिंग टू शो. मतलब सारा पैसा लगा दिया बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, वापस कुछ मिला नहीं, और उसके बाद हेल्थ बिल्स इतने सारे हैं, हेल्थ कंडीशन इतनी सारी हैं. फॉर ऑल द यंगर पीपल लिसनिंग, यू डोंट वांट टू एंड अप लाइक दैट. सो आई होप आपको इस वीडियो को सीखने को मिला हो. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय.